नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सेशन में हम आरपीएससी के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण सवालों का क्विकली रिवीजन कर रहे हैं। आज के सेशन में हमारा जो पेपर रहेगा ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। आरपीएससी के द्वारा अगस्त 2022 में इस पेपर का आयोजन करवाया गया था, तो इसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के महत्वपूर्ण सवालों का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि BWHW से क्या अभिप्राय है, तो ये कौन सी प्रकार की जलवायु को इंगित करता है? शुष्क शीत ऋतु जलवायु, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, आर्द्र जलवायु या अति आर्द्र जलवायु। तो BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, जो मोस्टली 20 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा के पश्चिम में आपका सुदूर पूरी तरीके से मरुस्थलीय जो इलाका है जैसलमेर बीकानेर वाला, तो वहां पर BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये कोपेर के वर्गीकरण का एक आपका सिंबल है। नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में आपको बतानी है, 200 से 400 मीटर, 300 से 500 मीटर, 400 से 600 मीटर या 100 से 200 मीटर। तो नागौरी उच्च भूमि की बात करें तो ये आपकी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें अगर बात करें तो शेखावटी अंतर प्रवाह के दक्षिण में और लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के उत्तर में आपका नागौरी उच्च भूमि वाला इलाका है, जिसकी औसत ऊंचाई है 300 से 500 मीटर समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? तो डूंगरपुर का शासक यहाँ पर उदय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुरड़ा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था? करौली का, किशनगढ़ का, बीकानेर का और कोटा का। तो यहाँ पर देखिए, हुरड़ा सम्मेलन के संबंध में एक जो चारों ही विकल्प दिए गए हैं ये चारों ही इसके सही हैं। करौली का गोपाल सिंह इसमें शामिल था हुरड़ा सम्मेलन में, ये 17 जुलाई 1734 को हुरड़ा सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था। किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ का राज सिंह भी शामिल था, बीकानेर का सुजान सिंह था, कोटा का आपका कौन था, दुर्जन साल था, ठीक है, बूंदी का दलेल सिंह था, जोधपुर का अभय सिंह था, ठीक है। तो ये शासक सारे ही इसमें शामिल थे, इसलिए इस सवाल को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है, स्टार्ड आपका क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है, इतालवी विद्वान टेसिटोरी ने किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? आहार उत्खनन, नैणसिरी ख्यात का अंग्रेजी अनुवाद, राजस्थान के रीति रिवाजों का संकलन और राजस्थानी व्याकरण प्रलेख। तो जो LP टेसिटोरी है ये किसके लिए जाने जाते हैं? राजस्थानी व्याकरण पर इन्होंने है वो आपके क्या आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। बाकी अगर बात करें तो कालीबंगा का जो आपका उसका पता लगाने का श्रेय भी आपका LP टेसिटोरी को मेनली दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है, यानी कि खारे पानी की झील है? नवलखा झील, नक्की झील, थापरताल झील और लूण करणसर झील। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लूण करणसर झील है, ये आपकी मीठे पानी की नहीं है यानी कि खारे पानी की झील है। इस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया, बीकानेर, जोधपुर, अलवर और सिरोही। तो गोकुल भाई भट्ट हैं, इसको राजस्थान का गांधी कहा जाता है और इन्होंने सिरोही के आंदोलन का, प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। चंबल नदी का जल अपव्यय क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 22.70, 21.10, 19.10 या 20.90। तो चंबल का अपवाह तंत्र राजस्थान में अगर बात करें तो लगभग आपका कितना है, लगभग यानी कि लगभग नहीं चलेगा, यहाँ केवल पूरा फिक्स दिया हुआ है, तो 20.90% है ये आपका चंबल नदी का राजस्थान में क्या है, कैचमेंट एरिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही नज़दीकी, यहाँ पर 21.10 है और यहाँ पर 20.90 है, बहुत ही नज़दीकी आपका आंसर है वो पूछा गया है। निम्नांकित युग्म में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधार अनुसार सही है, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको देखना है और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भी देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, डूंगरपुर का है, कितना है, 994 है, और न्यूनतम जो लिंगानुपात है ये आपका किसका है, धौलपुर का है, 837। तो राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर। अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड में रागमाला के चित्र के किसके द्वारा चित्रांकित है वो किए थे? तो रागमाला का चित्रांकन अमर सिंह प्रथम के शासन काल में हुआ था 1605 में, और ये किसने किया था, निसारद्दीन नामक चित्रकार ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
एक निसार दिन, ठीक है। और साहिब दीन की बात करें तो साहिब दीन मेवाड़ में, मेवाड़ के महाराजाओं का इन्होंने आदमकद चित्र बनाया। एक साहिब राम है जिन्होंने जयपुर में, जयपुर के जो राजा है ईश्वरी सिंह, जगत सिंह इत्यादि, उनके शासनकाल में रह करके उन्होंने आदमकद चित्र है वो बनाए थे। नेक्स्ट है क्षुद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह, जवान जमनालाल बजाज, सागरमल गोपा। तो स्त्री मुक्ति, क्षुद्र मुक्ति और महेंद्र कुमार ये अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें हैं। राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट है जालौर जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है? बांडी, मैनाली, सूकड़ी और लूनी। तो जालौर की नदी इसमें मैनाली है ये नहीं है, मैनाल नदी है ये आपकी, बनास बेडच मैनाल है ये, बिगोद में आपकी त्रिवेणी संगम है वो बनाती है, बनास बेडच मैनाल का भीलवाड़ा में, ठीक है। तो ये आपकी बनास की सहायक नदी है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता कौन सी है? तो राजस्थान की पुरुष साक्षरता 52.2%, 77%, 79.2, 68.3। तो पुरुष साक्षरता की बात करें तो राजस्थान की 79.2% पुरुष साक्षरता है, और आपको बताना है कि इसमें से महिला साक्षरता है वो कौन सी है, कमेंट करके आप बताएं जरा। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ है वो किया गया था? 1965, 66, 77, 78, 85, 86, 90, 91। तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मरु विकास कार्यक्रम है ये, 1977-78 में राजस्थान में शुरू किया गया था। दयालदासरी ख्यात में प्रमुखता किस राज्य का इतिहास है वो वर्णित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और डूंगरपुर। तो दयालदासरी ख्यात दयालदास सिंधायत के द्वारा लिखी गई है जिसमें बीकानेर के इतिहास का वर्णन है वो मिलता है। और आपकी नैनसिरी ख्यात है और बांकीदासरी ख्यात है, इसमें जोधपुर के इतिहास का वर्णन हमें मिलता है, ठीक है। एक आपकी ख्यात है कौन सी? मुंडियारी ख्यात, जिसमें मारवाड़ के राठौड़ों की जानकारी मिलती है, मुंडियार नागौर से प्राप्त हुई है। किस पुरातात्विक स्थल को धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है? सांबर, जोधपुरा नागर या आहड़। तो धरतूल घाट घाट के नाम से जोधपुरा को जाना जाता है, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। भीलों में किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध है वो प्रदर्शित किया जाता है? बागड़िया, घेर, हाथी मना और नेजा। तो भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है नेजा, और इसी नेजा नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध है वो प्रदर्शित किया जाता है, नेजा नृत्य। बाकी बात करें तो नेजा है, द्विचक्री है, हाथी मना है, युद्ध है, घेर है, ये भीलों के प्रसिद्ध नृत्य हैं, ठीक है। और बागड़िया, शंकरिया ये आपके किसके हैं? ये कालबेलियों के नृत्य हैं। नेक्स्ट है कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना राजस्थान में डिग्री कॉलेज कौन सा है? जसवंत कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, महाराजा कॉलेज जयपुर या कनौरिया कॉलेज जयपुर। तो सबसे पुराना जो डिग्री कॉलेज है ये महाराजा कॉलेज जयपुर का है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जनसंख्या के घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है? नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर है वो देना है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है, जनसंख्या घनत्व पूछा है, जो आपको घटते हुए क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा गया है, अवरोही क्रम में, पहले बड़ा है उसके बाद में छोटा आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व आपका जयपुर का है, ये आप सभी जानते हैं। तो जयपुर इस दोनों में है, उसके बाद में भरतपुर है, फिर दौसा है, फिर अलवर है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? तो न्यूनतम सूखाग्रस्त है वो सबसे कम, अगर सूखाग्रस्त डिक्लेयर करना है, लिस्ट ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो उसके लिए है आपका 70 से 100 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो वो लिस्ट ड्रॉट प्रोन एरिया में आएगा। और 50% यानी कि 50 सेंटीमीटर से अगर बारिश में 50 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा होती है, ठीक है, यानी कि वर्षा में 50 जो सेंटीमीटर है इसकी आपकी कमी हो जाए तो ऐसे को हम सीवर ड्रॉट के क्षेत्र में है वो मानते हैं, ठीक है, सीवर ड्रॉट प्रोन एरिया। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन से जिले में तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता है? उदयपुर, सिरोही, बारां और झालावाड़। तो तेंदू पत्ती के लिए आपका उत्पादन है वो सिरोही जिले में नहीं होता है, इस पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए होता है। तो उदयपुर, बारां और झालावाड़ है, ये तेंदू पत्तियों का उपयोग यहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा क्या है, उत्पादन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिला का युग्मन उच्चतम और निम्नतम विकास दर दर्शाता है? तो सबसे अधिक जो ग्रोथ रेट है वो किसकी है, सबसे कम ग्रोथ रेट है वो किसकी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यहाँ पर विकास दर से तात्पर्य क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है ये बाड़मेर की है, न्यूनतम है जैसलमेर की है, बाड़मेर की 32.5% है,
और न्यूनतम सॉरी गंगानगर की है, जैसलमेर की नहीं है। जैसलमेर तो आपका दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। तो बाड़मेर की 32.5%, न्यूनतम है गंगानगर की 10%। तो इसमें राइट आंसर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। बनास, चंबल, सीप नदियां किस जिले में राजस्थान में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? भीलवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो बनास, चंबल और सीप जो नदियां हैं ये राजस्थान में त्रिवेणी जो संगम बनाती हैं वो आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। कहाँ पर बनाएगी? ये सवाई माधोपुर में बनाएगी। बनास, चंबल और सीप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम है वो बनाती है। डूंगरपुर में कौन सी बनाती है? सोम माही जाखम, ठीक है। बिगोद, भीलवाड़ा में आपकी कौन सी बनाती है? बनास, बेड़च और मैनाल, ये आपकी बिगोद में। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर है वो पुकारा जाता है? दयालदास, श्यामलदास, बांकीदास और शंकरदान सामोर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है शंकरदान सामोर। शंकरदान सामोर 19वीं सदी के आपके प्रसिद्ध एक अंग्रेजों पर बोलने वाले एक कवि थे, ठीक है। इन्होंने देश दर्पण नामक एक महत्वपूर्ण है आपका जो साहित्यिक ग्रंथ है वो लिखा है। और इन्होंने अंग्रेजों को क्या कहा है? मुलकरा मीठा ठग कहा है। मुलकरा मीठा ठग है वो अंग्रेजों ने कहा है। जबकि बांकी दास अंग्रेजों पर बोलने वाले आपके सबसे पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने अंग्रेजों पर एक महत्वपूर्ण दोहा है वो कहा है कि आयो अंग्रेज मुलकरे ऊपर आहंसा लीधी खेच उड़ा, धनिया मरेन दीदी धरती, धनिया उभी गई धरा। तो ये इस प्रकार की महत्वपूर्ण जो बातें हैं अंग्रेजों पर ये बांकी दास के द्वारा कही गई थी। किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? हेला, चंद्रयानी की गाय की रासदारी और तुर्रा कलंगी। तो तुर्रा कलंगी जो ख्याल है ये हिंदू और मुस्लिम संयुक्त रूप से करते हैं तुकनगिर और शाह अली के द्वारा मेवाड़ में। इसको आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व इसका मंचन है वो शुरू किया गया था। कौन से राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है? चंद्रबरदाई, शिवदास, कृपाराम या वज्रसेन सूरी। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर संवत उल्लेख वाली सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है, जिसके रचयिता है वो आपके कौन है? वज्रसेन सूरी है। तो राइट आंसर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में कौन सा सही है? हनुमानगढ़, बीकानेर, करौली, श्रीगंगानगर, पाली। तो यहाँ पर दीर्घकाल अकालग्रस्त जो आपका एरिया है ज़्यादातर कौन सा जिला रहता है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा 2 हो जाएगा, पाली है। इसमें आपका आया हुआ है श्रीगंगानगर, पाली, चूरू है। ये लगभग लगभग हर बार 2022-23 में भी आप देखेंगे तो केवल एक जिला है पाली। इस पाली जिले की आपके पाली तहसील है, इसको अकालग्रस्त है वो सूखाग्रस्त है वो घोषित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर है वो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। जनक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 7,000 चालुक्यों को मार गिराया, निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। दुर्लभराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम और पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर 1 है, पृथ्वीराज प्रथम है। इसमें कहा गया है पृथ्वीराज विजय में जयानक ने कि इसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को है वो मार गिराया था पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा। नाकोड़ा पर्वत को किस और नाम से जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां, पश्चिमी अरावली की पहाड़ियां, तारागढ़ की पहाड़ियां। तो नाकोड़ा जो पर्वत है इसको छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी की पहाड़ियां ये आपकी कहाँ पर है? शेखावाटी की पहाड़ियों से पूर्व में है, यानी कि सीकर और नीम का थाना के मध्य है। पश्चिमी अरावली पहाड़ियों में तो आपकी उदयनाथ की पहाड़ी है, हर्षनाथ की पहाड़ी इत्यादि देखने को मिलती है। तारागढ़ की पहाड़ियां है ये आपकी मध्यवर्ती अरावली में है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है कि कविराजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? तो बांकीदास हैं ये आपके किस राजा के द्वारा संरक्षित राजकवि की अगर बात करें तो सुजान सिंह, मान सिंह, भीम सिंह और माधो सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर के मान सिंह के आपके आश्रय में थे बांकीदास। और नैण सिंह किसके थे? तो नैण सिंह थे आपके जसवंत सिंह के आश्रय में रहे थे नैण सिंह, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर के मान सिंह। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के इस सेशन में बस इतना ही। हमने क्विकली 30 महत्वपूर्ण सवाल इस पेपर में उसका डिस्कस किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और भी आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए राजस्थान भूगोल का एक बेहतरीन नया बैच नए जिलों के अनुसार ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर शुरू हो गया है। तो अच्छी तैयारी के लिए इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल को कम्प्लीटली आप है वो अच्छी तरीके से तैयार करें
तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए एक सेपरेटली बैच है ही, इसके अलावा आप पूरा कॉमन बैच लेना चाहते हैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भूगोल का, तो वो भी अवेलेबल है ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर। 8 जनवरी से वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। जेई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी एक आपका डेडिकेटेडली अलग से बैच है वो क्रिएट किया हुआ है। संघ के अधिकारी के लिए भी राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्सनली जो बैच है वो भी ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर चल रहा है। तो इन तमाम कोर्सेज को बैच को ज्वाइन करने के लिए आप ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन है वो जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अब आपके लिए एक और खुशखबरी है कि जितने भी जो आपके प्रीवियस जो हमने क्विक रिविजन में जो पेपर्स इत्यादि है वो लिए हैं, और 2018 से 23 22 तक के जो महत्वपूर्ण पेपर हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट विशेष करके स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और आपके अपकमिंग जितने भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर आपका एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को रविवार को, इसके अलावा भी जितने भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आपकी, उस सभी के लिए एक आपको कल मॉर्निंग को एक हम प्रीमियर सेशन रखेंगे, लगभग 4 साढ़े 4 5 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो उसमें सारे पेपरों का हम क्विकली है वो रिविजन करेंगे, मैराथन सेशन रहेगा। तो कल के मॉर्निंग वाले मैराथन सेशन में आप जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।